नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। फाइनल चुनाव से पहले मौके पर चौका मारते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीतिक एंट्री करवा दी। पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाकर विरोधियों की नींद उड़ा दी, लेकिन राहुल का ये दांव कहीं उन्हें उल्टा ना पड़ जाए, राहुल का ये कदम कहीं प्रियंका के लिए पॉलिटिकल सुसाइड ना बन जाए, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सियासी गणित की जुगत में कांग्रेस, क्या प्रियंका के सहारे जीतेंगे यूपी? कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, क्योंकि यूपी के 80 लोकसभा सीटें तय करती हैं देश का भविष्य। केंद्र में सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उसके करीब एक तिहाई सीटें यूपी से आती हैं, और कांग्रेस इस गुणा गणित को बखूबी जानती है। 2019 में मोदी और उनकी टीम को मात देनी है तो 2009 वाली स्थिति यूपी में लानी है, जब कांग्रेस को 18% वोट मिले थे और उन्होंने 20 सीटें यूपी से पाई थी। तो प्रियंका गांधी के चमकदार चेहरे की बदौलत कांग्रेस 2009 वाली वही सियासी गणित बैठाने की जुगत में है, लेकिन राहुल का ये दाव कहीं प्रियंका के उभरते पॉलिटिकल करियर में विराम ना लगा दे। यूपी में बेहाल कांग्रेस, प्रियंका के कंधों पर यूपी का भार, क्या चखा पाएंगी जीत का स्वाद? तो इस वक्त यूपी में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, इसलिए उनकी डूबती कश्ती को बचाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा पर है, जिन्हें हाल ही में पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया। अब 2019 के संग्राम में पार्टी का ये दांव कहां तक सफल होता है ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतिहास की आंखों से देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल सोनिया के अलावा कोई कांग्रेसी नेता सांसद नहीं बन सका। राहुल के लिए यूपी में मिली नाकामयाबी उनकी छवि और साख पर सवाल उठा रही थी। ये जबरदस्त नाकामी थी उससे जब तक उभरते तब तक। 2017 का वो साल आया जब उन्हें बतौर अध्यक्ष अपने को साबित करना पड़ा। फेल हुई राहुल की राजनीतिक केमिस्ट्री, यूपी ने नकारा दो भाइयों का साथ, योगी पर दिखाया विश्वास। 2017 में राहुल गांधी ने राजनीति की केमिस्ट्री में नया प्रयोग किया। नए राजनीतिक समीकरण के तहत 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का दावेदार और राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यूपी जीतने की योजना तैयार की। कांग्रेस ने 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया। जब लगा कि उनका दांव सफल नहीं हो रहा है तो पार्टी ने एक बार फिर रणनीति बदली, नारा भी बदला और नाम दिया यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन जनता ने ऐसा नकारा कि पार्टी महज 7 सीटों पर ही सिमट गई। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, आबादी के हिसाब से तो बड़ा है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश देश को रास्ता भी दिखा देता है। प्रधानमंत्री यहीं से निकल करके जाते हैं, और जैसा कि अभी कहा कि ये प्रोग्रेस का अलायंस है, प्रॉस्पेरिटी का अलायंस है, जो 3 पी की बात कही, चौथा पी मैं जोड़ देता हूं, ये पीपुल्स अलायंस बन करके उभर के आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये अलायंस सफल हो उत्तर प्रदेश में। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि जिस रफ्तार से तरक्की और खुशहाली, जिस रफ्तार से काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के आ जाने के बाद और तेजी से काम होगा। क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति, बांटने की राजनीति और कंपनी को हिंदुस्तान के धन देने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। एक प्रकार से गंगा और यमुना का यहां पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकलेगी। मोदी जी के शब्दों में ये ट्रिपल पी है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इस गठबंधन से यूपी की जनता को शक्ति मिलेगी, यूपी में भाईचारा फैलेगा, प्रगति होगी और ये प्रदेश तेजी से आगे जाएगा। राहुल ने फिर किया एक्सपेरिमेंट, प्रियंका पर लगाया दांव, प्रियंका सिंधिया पर छोड़ा सब कुछ। तो
तो नए साल के आगाज के साथ एक बार फिर राहुल गांधी ने नया प्रयोग किया, जिसके परिणाम ना सिर्फ राहुल बल्कि उनकी पार्टी के लिए घातक हो सकते हैं। और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा, मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा उसके लिए है। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाने के पीछे राहुल की यही सोच है कि वो 2009 वाली स्थिति फिर से पा सके, जब उनकी पार्टी को यूपी में 18% से ज्यादा वोट और 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिली। 1984 के बाद यूपी कांग्रेस का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। प्रियंका ने ली जिम्मेदारी, भाई का बनी सहारा, पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश, विरोधियों को टक्कर देने मैदान में उतरी। प्रियंका गांधी को जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वो अभी बीजेपी का सबसे ताकतवर किला माना जाता है। क्षेत्र के 2 सबसे बड़े शहरों वाराणसी और गोरखपुर में प्रियंका के लिए रास्ता मुश्किल बताया जा रहा है। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। और बहुत समय तक मेरा इंतजार किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है संगठन के बारे में, उनके क्षेत्र में संगठन कैसा है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां कैसी हैं, ब्लॉक की कमेटियां कैसी हैं, सब जानकारी मैं ले रही हूं। वहीं कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि पूर्वांचल के साथ ही अवध पर भी प्रियंका का प्रभाव पड़ेगा, यानी 43 लोकसभा सीटें, मतलब राहुल गांधी सोनिया के अलावा पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी, सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सीट आजमगढ़, सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, राम जन्म विवाद का केंद्र फैजाबाद लोकसभा सीट, मायावती की पुरानी लोकसभा सीट अकबरपुर, सबकी सब सीटें प्रियंका गांधी के कार्य क्षेत्र में आएंगी। ऐसे में यहाँ के मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए प्रियंका को पैठ बनानी पड़ेगी, जिसको मथने के लिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। अब तक अमेठी और रायबरेली तक सीमित रही प्रियंका को इस बड़े क्षेत्र के जमीनी हालात और समस्याओं को समझना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजनीतिक पंडितों की माने तो प्रियंका को जिस पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहां की राजनीति धुरी ब्राह्मण और राजपूत है, जिसके वोट को बीजेपी से शिफ्ट कर कांग्रेस प्रियंका के सहारे अपने पाले में लाना चाहती है। लेकिन इससे भी प्रियंका का मुकाबला राजनीति के माहिर खिलाड़ियों में से है, जिनकी चाल ऐसी होती है जो देश की राजनीति के लिए मिसाल बनती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं राहुल के इस कदम से प्रियंका के उभरते करियर को विराम ना लग जाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश शब्द में पहला शब्द उत्तर है। ये जो हमारी पार्टनरशिप बनी है अखिलेश और मेरी, समाजवादी और कांग्रेस की और यूपी की जनता की, ये एक जवाब है। हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश ने अलग अलग समय देश को, दुनिया को जवाब दिया है। 1857 में जब इस देश में कंपनी राज था, उत्तर प्रदेश की सब प्रोग्रेसिव फोर्सेस मिली, एक साथ खड़ी हुई और उन्होंने कंपनी राज का जवाब दिया। उसी प्रकार आज हम क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति, बांटने की राजनीति और कंपनी को हिंदुस्तान के धन देने की राजनीति का जवाब दे रहे हैं। एक प्रकार से गंगा और यमुना का यहां पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकलेगी। मोदी जी के शब्दों में ये ट्रिपल पी है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इस गठबंधन से यूपी की जनता को शक्ति मिलेगी, यूपी में भाईचारा फैलेगा, प्रगति होगी और यह प्रदेश तेजी से आगे जाएगा।
मुझे बहुत पर्सनली बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में यह गठबंधन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश और मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है मगर पर्सनल रिलेशनशिप भी है, और मैं खुशी से आज कह रहा हूं कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहरी हो रही है। आप सबका धन्यवाद। अखिलेश, आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी का मैं स्वागत भी करता हूं। जहां उन्होंने बात छोड़ी वहीं से बात को मैं शुरुआत करता हूं। लोकसभा में साथ साथ रहे, कई बार कार्यक्रमों में मिलने का मौका मिला, हम एक दूसरे को जानते हैं।